हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे हैं। वो अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं। मैं भी 7:30 को ही उठता हूँ, क्योंकि रात को जो खाना बना लेता हूँ ना, सुबह उतना प्रॉब्लम नहीं होता। सुबह बस गर्म करके खा लेता हूँ और दोपहर के लिए लेके चला जाता हूँ। वैसे पापा कल 6 बजे कॉल किए थे, उसके बाद बोल रहे नहीं अभी से 7 बजे कॉल करूंगा, आज 7 बजे कॉल किए। अच्छे से थोड़ा सोना भी हो जाता है मेरा। अभी तो फिलहाल मैं फ्रेश होके आया, अभी खाना बना गर्म करना है और सामने थोड़ा साफ सफाई करके उसके बाद चलते हैं ऑफिस। मेरे गेंदे के प्लांट्स में थोड़ा पानी डाल देता हूँ यहाँ पे। अरे ये क्या हो गया? अरे भाई ये कैसे टूट गया? तो फ्रेंड्स ये वाला फूल पता नहीं कैसे टूट गया इधर से। इसका शायद वेट ज़्यादा हो गया होगा इसलिए टूट गया है। यहाँ से टूट गया देखो। अरे यार लो इससे आज पूजा दे देंगे। मैं पानी पहले डाल देता हूँ, पानी डाला ही नहीं मैं तो, ये देख के मूड ही ऑफ हो गया। तो यहाँ पे तो पानी दे दिया, अभी ये वाला साफ सफाई करना होगा। ये जो अमरूद का पेड़ है ना, यही से सारा पत्ता गिरता है नीचे, और ऊपर ये कटहल का पेड़ भी है, सारा पत्ता यहाँ पे ख़राब करता है। तो ये फूल ले जाता हूँ अभी पूजा के लिए, क्या ही कर सकते हैं, अभी टूट गया है तो टूट गया है। यहाँ पे पूजा के सामान के साथ रख देता हूँ, आज यहाँ पे पूजा दूंगा। साफ सफाई करने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं ना साफ करने से पहले थोड़ा पानी डाल देता हूँ, पानी डालने से ना धूल उतना ज्यादा नहीं होता। फिलहाल तो अभी साफ सफाई हो गया, मैं अभी नहा के रेडी हो जाता हूँ। तो मैं अभी रेडी हो गया ऑफिस के लिए, बाइक निकाल लिया। आज अच्छा खासा धूप निकला है और आज गर्मी भी लग रही है, लेकिन मैं जैकेट फिर से पहन लिया क्योंकि नहीं तो हवा लग जाती है। लेकिन अभी गर्मी ऑलमोस्ट आ चुकी है। फिलहाल ऑफिस चलते हैं और उसके बाद शाम को मिलते हैं आपसे। टिफिन बॉक्स भी ले लिया, अभी चलते हैं। रोज तो टाइम नहीं मिलता, आज थोड़ा जल्दी निकल गया तो सोचा आपके साथ ये वाला व्यू शेयर करते हैं। देखो ये टी गार्डन है ना, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप कुछ भी शूट कर सकते हैं, मतलब कोई भी अच्छा खासा शूट करना चाहे ना तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शूट होगा। यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, उधर उधर वाला भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ, मैं हर रोज़ देखता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, तो आज थोड़ा टाइम है तो सोचा आज वीडियो बना के दिखाते आपको। ये वाला देखो स्टेप बाई स्टेप नीचे जो आया है ना, ये सीरीज़ बहुत ही खूबसूरत है। उधर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, दूर वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत है। तो अभी चलते हैं ऑफिस, इसी रोड से जाना है मुझे। तो अभी मैं निकल गया ऑफिस से, कमाल भी जा रहा है। चलो भाई अच्छा लग रहा है वैसे, ये ब्लैक सब कुछ ब्लैक, स्कूटी भी ब्लैक, टी शर्ट भी ब्लैक। चलो भाई अभी मैं भी निकलता हूँ। चल आ गया मैं अभी बच्चन के दुकान पे। अभी बच्चन के दुकान पे ज्यादा बैठता नहीं हूँ, घर जाके भी खाना वाना बनाना होता है इसलिए थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ। ये तो बहुत लेट हो जाता है तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी चला जाता हूँ। अभी तो फिलहाल कोई नहीं है दुकान पे, मैं अकेला ही हूँ। ये भी अकेला अकेला बैठा है, अभी कॉफी नहीं पिया मैंने, कॉफी पीना पड़ेगा। मैं लेता हूँ, कॉफी लेते हैं। एक कौन सा वाला भाई? ये वाला 15 रुपये वाला, ये 5 रुपये वाला है ना। रुक 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 रुक, यहाँ पे देखो कॉफ़ी टी, उसके बाद सूप, बाकी तो कुछ नहीं है। लेमन है क्या? लेमन टी है। तो यहाँ पे रखना होता है ना, यहाँ पे रखो कॉफ़ी में, यहाँ पे प्रेस करो, यहाँ पे आ जाएगा अभी, हो गया ना। अच्छा तो फाइनली कॉफ़ी पीते अभी। और अभी गर्मी भी आ चुकी है ना, देखो फैन भी चला दिया इसने। मेरे घर पे भी फैन एक खराब है, वो भी ठीक करवाना पड़ेगा भाई, गर्मी में मर जाऊंगा मैं। आज का कॉफी सही है क्योंकि कल जो पिया था वो थोड़ा फीका फीका सा था, लेकिन आज का जो कॉफी है इसका टेस्ट सही है। चेंज किया है इसने, मसाला चेंज किया है शायद, आज तो सही है। तभी मैं घर आ गया और बच्चन की दुकान पे ज्यादा बैठा नहीं क्योंकि घर पे बहुत सारा काम रहता है, खाना बनाना होता है, बर्तन धोना होता है, फिर थोड़ा बहुत शाम को मैं पानी भी दे देता हूँ पौधों में, तो इसीलिए बच्चन के दुकान पे ज़्यादा नहीं बैठा। वीडियो अपलोड किया, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पिया, उसके बाद अभी आ गया। और अभी देखते हैं आज सोयाबीन आलू की सब्जी बनाऊंगा। और एक्चुअली मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, घर पे कुछ है ही नहीं, बस अंडा है। तो कल रात को अंडा खाया था, आज दिन में भी अंडा खाया था, इसलिए अभी तो फिलहाल सोयाबीन आलू की सब्जी बनाऊंगा। और साथ ही मैं देखते हैं टाइम मिलता है तो कुछ सीरीज वगैरह भी देखते हैं। तो आज मैं बनाऊंगा सोयाबीन आलू की सब्जी। और मेरे पास एक अच्छी चीज़ है आज, देखो जिंजर गार्लिक पेस्ट है कैच का, ये वाला जो पेस्ट है ये मुझे गिफ्ट किया था। और यहाँ पे कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, मम्मी बोली थी थोड़ा ज्यादा तेल डालना। इधर मेरा चावल भी हो गया है ऑलमोस्ट, तेल गर्म हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं धुआं निकल रहा है।
तो पहला मसाला मैं डालूंगा 5 फोरन जो कि बीच में रखा हुआ है, देख ही सकते हैं। थोड़ा सा डालूंगा, ज़्यादा नहीं डाल देता हूँ। और ऊपर से 3-4 सूखा मिर्च, और साथ ही में मैं कुछ हरी मिर्च भी डाल दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि हरी मिर्च डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अभी डालूंगा प्याज। तेल अगर अच्छे से गरम ना हो ना, फिर सब्जी खराब हो जाता है, मतलब खाने में कुछ एक स्मेल आता है तेल का, अजीब सा। तो अभी इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये थोड़ा लाल लाल हो जाएगा, उसके बाद आलू और सोयाबीन मैं डाल दूंगा यहाँ पे। अभी मैं आलू और सोयाबीन डाल दूंगा, बाकी जो सोया है वो डाल देता हूँ। अभी ढकने से पहले मैं थोड़ा हल्दी और नमक डालूंगा यहाँ पे। बस नमक कल के सब्जी में थोड़ा कम हो गया था आज, इसलिए थोड़ा देख के डालना पड़ेगा। हल्दी और नमक मेरे ख्याल से सही है। अभी मिक्स करके ढक देते हैं, इस सब्जी को अभी ढक देते हैं, और मान लीजिए 5 से 7 मिनट ढका हुआ रहेगा। तो कल जो मैं नमकीन लाया था ना, इस डिब्बे पर रखा था, अभी सोच रहा हूँ 2-3 खाते खाते एक यूट्यूब पे या फिर हॉटस्टार पे कुछ सीरीज़ देख लेंगे, पहले तो ये खाएंगे। मेरा मोबाइल देखो स्विच ऑफ हो गया था, अभी स्विच ऑन किया है, और मेरे पास बिंगो मैड एंगल्स भी है, ये भी खाते हैं, ये नमकीन भी खाते हैं, और हॉटस्टार पे सीरीज देखते हैं। जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक तो यही से काम चलाना पड़ेगा। अभी इसका पता नहीं क्या है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी 5-7 मिनट हो गया है, अभी देखते हैं कितना पक गया ये। वाह, देखिए सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है। ये थोड़ा जीरा डाल दिया, ये थोड़ा धनिया डाल दिया, इनको अच्छे से थोड़ा मिक्स करते हैं। टाइम आ गया ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने का। वैसे स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है, देखो। अभी ज़्यादा नहीं डालूंगा, मम्मी बोली थी ज़्यादा नहीं डालना। इतना सा काफ़ी रहेगा। पेस्ट जो है इसको मिक्स करते हैं, फिर से थोड़ा ढक देते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शायद ये हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि जल जाएगा तो फिर खा नहीं पाऊंगा बाद में। पानी भी मैंने गर्म करने के लिए बिठा दिया है, गर्म पानी डालने से अच्छा रहता है, मम्मी बोली थी। अभी पानी डालते हैं। तो ये सब्जी अभी ऑलमोस्ट रेडी है। आज तो सब्जी का कलर बहुत ही खूबसूरत आया, सीरियसली मुझे ही अच्छा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है, होपफुली खाने में भी अच्छा ही लगेगा। ऑलमोस्ट हमारा डिनर कम्प्लीट है। खाना वाना खा के मैं अभी सोने आ गया, और आज का खाना सीरियसली बहुत ही टेस्टी हुआ है। मतलब मैं जैसे जैसे चाह रहा था वैसे ही हुआ है खाना, और मम्मी ने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया कॉल में, तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है खाना। तो आज के लिए इस वीडियो को ही एंड करते हैं। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे डेली लाइफ ब्लॉग्स एंजॉय करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।